तिरुपति बालाजी के प्रसाद पर जो विवाद खड़ा हुआ था उसको सपा सांसद जो हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि मथुरा के जो प्रसाद है जो यहाँ खोआ बनता है उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी शुद्धता की जांच होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तिरुपति बालाजी का जो एक बहुत गंभीर और एक सनातन परंपरा में एक तरह से हमारे यहाँ भक्त प्रसाद को मान करके खाते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद प्रसाद होता है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने जो वहाँ कमेटी गठित की थी उस कमेटी में कुछ ऐसे लोगों को रख दिया था जिनके कारण वो ये विवाद नहीं, वो सचमुच में उसमें सुअर का चर्बी का और मछली का तेल वगैरह मिलना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं भी हो, किसी भी मंदिर में हो, शुद्धता होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने तत्काल जांच के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। दूध का दूध पानी का पानी होगा और मुझे लग रहा है कि उस तत्कालीन सरकार उस समय की वो सरकार भी घेरे में आएगी, जरूर आएगी। मथुरा के प्रसाद को लेके जो आए दिन मंदिर हैं मथुरा वृंदावन में लाखों श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से, यहाँ पर क्या? देखिए अभी तक तो कोई ऐसा विषय आया नहीं है, लेकिन कहीं भी हो प्रसाद के नाम से कहीं भी इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।